महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैकग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे, परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना 7:37 में पवित्र शास्त्र में यह लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जी, फिर से जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह। जीवन जल माध्यम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को सुनने के लिए आपके बहुमूल्य समय निकालकर टीवी के सामने बैठने वाले प्रिय श्रोताओं को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप परमेश्वर के वचन सुनने के लिए इतनी आशा से आए हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। परिवार के चिंतन करते हुए, परिवार के अंदर बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, ऐसे हम परमेश्वर के वचन से सुनते आए। आज हम परमेश्वर ने एक पति पत्नी को, एक पुरुष और स्त्री को विवाह के बंधन में जोड़ने का कारण क्या था? शादी ब्याह क्यों रचा गया था? किसने रचा था? कैसे शुरुआत हुई थी? इसके बारे में हम आपको परमेश्वर के वचन से सुनाना चाहते हैं। पहला पुस्तक उत्पत्ति उसका अध्याय 2:21 को मैं पढ़ना चाहूंगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी संति मांस भर दिया। 22 और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उनसे आदम ने उसमें से निकाली थी स्त्री बना दिया। परमेश्वर पढ़े हुए इस वचन पर बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद, एक पुरुष को बनाने के बाद उसके लिए स्त्री को कैसे रचा था वो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ पाए आज। और हम आपको बता दें कि ये स्त्री और पुरुष को जोड़ने वाला कार्य, विवाह या ब्याह, शादी जिसको हम कहते हैं, ये कोई संस्था की रचना नहीं है प्रियजनों, किसी सरकार की रचना भी नहीं है प्रियजनों, किसी वैज्ञानिक तरीके से सोचा हुआ कोई ज्ञानी का सोच भी नहीं है प्रियजनों। अगर आपको लगता होगा कि कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट या बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े वक्ता थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत ज्ञान से भरे हुए थे, शायद उन्होंने
शादी ब्याह इसकी रचना की हो, अगर ऐसा आपका मन में आया है या ऐसा कोई आपको बताया है तो ये गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर ने खुद इस विवाह को, ब्याह को, शादी को शुरुआत की है। हम आपको बता दें, अगर कोई इंस्टीट्यूशन प्रारंभ, कोई संस्था अगर इसको प्रारंभ करती या किसी देश के सरकार प्रारंभ करते, कोई व्यक्ति अगर लिखे जाते हैं तो इसमें बदलाव बार बार अलग अलग समय पर बदलाव आते हैं, अलग अलग तरीके के बदलाव देखने आते हैं हम। परमेश्वर की रचना, परमेश्वर ने इस विवाह को या शादी को प्रारंभ करने का मकसद क्या था, यह हम आपके सामने लाना चाहते हैं। इसी उत्पत्ति के अध्याय 2:18 में यूं लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का यानी मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके मेल खाता हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कितना सुंदर सा वचन है। परमेश्वर ने आदम पहला मानव को देखा कि वो अकेला पड़ रहा है, वो अकेला था, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर को भी प्रियजनों अच्छा नहीं लगता है कि आपके बच्चे अकेले हो। प्रिय माता पिता हो, प्रिय भाई बहन हो, अगर आपके घर में जवान बेटे या बेटी हैं वो अकेले हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका अकेला रहना अच्छा नहीं है। इट इज नॉट गुड दैट मैन शुड स्टे अलोन। अगर आपके बच्चे यह विचार लेकर आपके सामने आते हैं कि यहाँ कहे कि मम्मी पापा माता पिता मुझे शादी नहीं करना है, मैं अकेली या अकेला रहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है ये गलत है। जीवित परमेश्वर सृजनहारा सृष्टिकर्ता ने खुद मनुष्य को देखा और कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो माता पिता से भी हमारी गुजारिश है, माता पिताओं से भी हमारी विनती है कि आप भी अपने बच्चों के वो देखते हैं, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में विचार कीजिए और उनको समझाइए कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक उनका अकेला रहना अच्छा नहीं है। अकेलापन काटता है प्रियजनों, अकेलापन में दिमाग उल्टा घूमने लग जाता है, दिमाग खाली होता है। जब किसी की संगति में नहीं रहते हैं, जब मंडली के संगति में नहीं रहते हैं, पवित्र लोगों के संगति में नहीं होते हैं, संत लोगों के संगति में नहीं होते हैं, हम परमेश्वर के भवन के संगति में नहीं होते हैं, भाई बहन माता पिता परिवार मिलकर जब नहीं रहता है, अकेलापन होता है, तब व्यक्ति को काटने लग जाता है। हिंदी की कहावत भी तो ऐसी है, खाली दिमाग शैतान का घर, अकेलापन शैतानी विचारों की ओर हमें ले जाता है। Empty mind is devil workshop. Alone mind is devil workshop. अकेला आपके बच्चों को न छोड़े। आप देखिए कई जवान बच्चे अकेला रहना बहुत पसंद करते हैं, माता पिता उनको भाई कई बार समझाने लगते हैं तब वो कहते हैं leave me alone, मुझे अकेला छोड़ दो। और आप ध्यान से देखें या नहीं देखें, मैं मेरी पत्नी बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, पति पत्नियों को काउंसलिंग करते हैं, हमने देखा है कई बार जो जो कहते हैं लड़ाई झगड़े में या रूठ जाने के बाद जो कहता है कि मुझे अकेलेपन छोड़ दो, हम कई बार जाके उनको देखें अकेला क्या करते हैं। ये पति पत्नी या जवान बच्चे कोई भी व्यक्ति जो कहता है लेमी अलोन, जाता है अपने कमरे में अकेला थोड़ी देर बैठता है, तुरंत अपनी लाइट को बंद करता है। प्रियजनों आप देखा है, अगर आप ऐसे सीन नहीं देखे तो इसके बाद देखना, जो कहता है मुझे अकेले में रहने दो, वो तुरंत कमरे में जाकर उजाले को निकालता है, अंधेरे में रहना पसंद करता है। कितना अचंभे की बात है, अकेलापन व्यक्ति को जानते न जानते हुए अंधेरे की ओर खींच ले जाती, काले विचारों की ओर खींच ले जाती है, पाप के विचारों की ओर खींच ले जाती है, संसार से अलग करना, परिवार से अलग करने के उस विचार की ओर जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहा कि मनुष्य को अकेले रहना अच्छा नहीं है। प्रिय जवान बच्चों से बोलना चाहेंगे, प्रिय जवान बेटियों से बोलना चाहेंगे, आपका अकेला रहना अच्छा नहीं है, आपको शादी ब्याह करना पड़ेगा। परमेश्वर ने यह सोचकर उनके लिए एक सहायक बनाया है। और परमेश्वर का वचन बहुत साफ है, पहला मनुष्य के लिए उन्होंने जब शादी के विचार उनके मन में आई, पिता परमेश्वर ने कहा कि अकेला रहना अच्छा नहीं है। इससे पहले सृष्टि की हर चीज को परमेश्वर ने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, परंतु सिर्फ एक चीज अच्छा नहीं लगा, मनुष्य अकेला रहना। इस शादी के बारे में, इस ब्याह के बारे में बताते बताते इस वचन के आधार पर एक बात और बताना चाहूंगा मैं। परमेश्वर ने सृष्टि के पहले अध्याय में उत्पत्ति में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें दिन तक जिस चीज को उन्होंने सृष्टि किया सबको कहा कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मनुष्य को सृजने के बाद उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। सोमवार बहुत अच्छा था,
मंगलवार की सृष्टि बहुत अच्छी थी, बुधवार की सृष्टि बहुत अच्छी थी, बृहस्पतिवार की सृष्टि बहुत अच्छी थी, शुक्रवार की सृष्टि अच्छी थी, शनिचर की सृष्टि बहुत अच्छी थी, यानी कि सब दिन अच्छे हैं। अगर गलती से कोई माता पिता कोई परिवार कहता है यह दिन अच्छा नहीं, काम न करे, यह दिन अच्छा नहीं, यात्रा न करे, प्रियजनों हम आपको बताना चाहेंगे सृष्टि में रचा हुआ हर दिन परमेश्वर का दिया हुआ दिन है, हर दिन अच्छा है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के हाथ में रखिए और आगे बढ़िए, आपको आशीष मिलेगा। शादी के ब्याह के बारे में फिर वापस मैं लौट के वहां पर आता हूं। परमेश्वर ने देखा मनुष्य का रहना अच्छा नहीं है, फिर उसने कहा कि उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसमें मेल खाता हो। सहायक जो होता है वो मेल खाना चाहिए, सहायक जो होता है उसके संगी साथी नहीं बनी हुई है। पुरुष अगर गलती से सोचता है कि मुझे पत्नी मिली है, पत्नी आपको जो मिली है सहायक बनकर संगी साथी रहने के लिए परमेश्वर ने दिया है, आपके साथ मेल खाने के लिए दिया है। कई पुरुष तो ऐसे सोचते हैं कि पत्नी जो घर आती है कपड़े धोने के वॉशिंग मशीन के बदले में धोने के लिए आई है, खाना बनाने के लिए सिर्फ आई है, बर्तन धोने के लिए आई है, काम करने के लिए आई है। नहीं नहीं प्रियजनों, परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है, पत्नी जो परमेश्वर ने आपको दिया है आपके संगीनी बनकर आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ मेल खाने के लिए रखा गया है। ऐसा वचन परमेश्वर का बहुत साफ है। और परमेश्वर ने आशीषित किया, परमेश्वर ने उस स्त्री को बनाकर उनके हाथ में सौंपा हुआ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा हम आशीष पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा आज हम परमेश्वर के वचन को लेके जाना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने ऐसे इनको जोड़ा है कि हम सोचते हैं कि अपने बेटी के लिए बेटों के लिए जब हम शादी के विचारों में आकर हम ब्याह के लिए शादी के लिए बहू ढूंढने लगते हैं, दामाद ढूंढने लगते हैं, बहुत बड़ा यत्न करना लगता है, बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, ऐसे हम सोचते हैं। नहीं नहीं, इतनी बड़ी मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं। शादी के बारे में, विवाह के बारे में बहुत साधारण, बहुत ही सिंपल सा सूत्र है बाइबल के अंदर। नया नियम मरकुस का पुस्तक 10वां अध्याय पद 6 और पद 9 दो वचनों में आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पद 6 में यूं लिखा है, 10वां अध्याय का पद 6 में, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। कितना सुंदर सा वचन है। सृष्टि के जो आरंभ हुआ था उसी वक्त एक नर के लिए नारी, एक नारी के लिए नर बनाया गया है। आनंद हुआ आपको? जो माता पिताएं अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, जो माता पिताएं अपने बेटे के लिए बहू ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, आज आप थोड़ी देर के लिए थम जाइए, थोड़ी देर के रुक के परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। इस परमेश्वर के वचन के आधार से हम आपको आनंद का विषय बताना चाहते हैं। आपकी बेटी पैदा होने से पहले उस बेटी के लिए एक पति, आपका बेटा पैदा होने से पहले उसके लिए एक पत्नी परमेश्वर ने आयोजित किया है, वो परमेश्वर की योजना में है प्रियजनों। तो आप बोलेंगे कि कहाँ है भाई, भाई साहब आप तो बता रहे हैं टीवी के माध्यम से, आपकी आवाज तो हम सुन रहे हैं, परंतु हम थक तो गए हैं, हमारी बहू नहीं मिल रही है। परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखा हुआ है, उत्पत्ति के दूसरा अध्याय के 21 में हमने पढ़ा था, आदम को घेरी ने सुलाया गया, उसकी फसली से एक हड्डी निकाली गई है, उसमें से उसने स्त्री को बनाया है। आपके बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं प्रिय माता पिता है, प्रिय भाई और बहनों, मेरे मित्रों, इसका मतलब आपके बेटे की जो बहू बनने वाली वो उसके फसली में ही छुपी है। तो आज प्रार्थना को थोड़ा सा रूप बदल के प्रार्थना कीजिए। जवान बेटों से हमारी विनती, आप भी ऐसी प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मेरे फसली में जो मेरी पत्नी है, माता पिता बोलिए मेरे बेटे की फसली में जो मेरी बहू है उसे बाहर निकाल, आपकी योजना को पूरा कर प्रभु जी। अगर ऐसी प्रार्थना हम करेंगे परमेश्वर जरूर आशीष करेगा, परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना सुनेगा। मरकुस के 10 के 6 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने योजना बनाई है, और वचन 9 के मैं पास आना चाहता हूं, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। ये परमेश्वर की योजना है एक स्त्री पुरुष को जोड़ना, ये परमेश्वर की योजना है विवाह में शादी में बांधना, किसी मनुष्य की योजना नहीं है, किसी मांत्रिक की योजना नहीं है, किसी देश भक्त की योजना नहीं है, किसी ज्ञानी की और विज्ञानी की योजना नहीं है, ये जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता सृजन हरा की योजना है कि एक पति और पत्नी जुड़ जाएं और वो शादी करें। उनका जीवन जुड़ना कब तक के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, नहीं प्रियजनों, परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखा हुआ है, वो तब तक जुड़े रहेंगे जब तक वो जीवित रहेंगे, उनको मनुष्य अलग न करें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, नए विवाह के बंधन में जुड़े हुए तरुण पति पत्नियों से हमारी गुजारिश है,
आपको परमेश्वर के वचन के आधार से हम आगाह करना चाहते हैं कि आपका जो विवाह का बंधन में जुड़ना, ये कोई महीनों के लिए, वर्ष के लिए, सिर्फ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं प्रियजनों, प्रिय तरुण पति पत्नियों, प्रिय मेरे भाई बहनों, प्रिय मेरे बेटे बेटियों, आपसे हम कहना चाहते हैं कि आपका पति पत्नी बनकर जुड़ना आपके दोनों के जीवन के अंत तक के लिए परमेश्वर ने जोड़ा है। इस बात का याद रखें, कितना ही संकट क्यों ना हो, कितना ही दुख क्यों ना हो, कितना ही वेदनाएं क्यों ना हो, उसको सहन करें, घुटने टेक कर प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष से भर, क्योंकि यह जोड़ना हमने परमेश्वर के वचन के आधार पर सुना है, मनुष्य का मन का बना हुआ, मनुष्यों का योजना नहीं है, आपकी योजना है। प्रभु जी हमें आशीष दे। अगर ऐसे आप मांगते हैं तो हम खचित रूप से आपको बताना चाहेंगे, परमेश्वर आपकी विवाहित जीवन को आशीष से भरेगा। अगर आशीष नहीं है, पति पत्नियों के बीच में अनबन है, पति पत्नियों के बीच में शांति नहीं मिलती है, पति पत्नी के बीच में घर के अंदर, मन के अंदर हमेशा के लिए झगड़े अशांति बना हुआ है, तो पति पत्नी दोनों रहने का तरीका कैसे है? अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ परिवार कैसे रहना चाहिए? एक वचन हम परमेश्वर के इस पवित्र बाइबल से आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे। एफेसियों के पत्र में 5वां अध्याय में वचन 25 में यूं लिखा है, देखिए यहां पर, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। पतियों से परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो। कई बार ऐसा होता है, खुद की अपनी पत्नियों को छोड़कर दूसरों को पर नजर जाता है, तभी तो घर में, तभी तो परिवार में, तभी तो मन की, परिवार की शांति अशांति में बदल जाती है। परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है कि अपने अपने पत्नियों से पति को प्यार करना चाहिए, अपने पत्नी पर उनका मन आना चाहिए, पत्नी के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। इतना ही नहीं, कैसे प्यार करने चाहिए उसके बारे में लिखा है, जैसे ऐसा प्रेम रखो जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। यीशु मसीह का प्रेम कलीसिया से कैसा था प्रियजनों? उन्होंने अपना प्राण देकर कलीसिया से प्रेम किया। वो कलीसिया कोई नहीं, आप और मैं है प्रियजनों। 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आपके हमारे पापों को छुड़ाने के लिए प्राण दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह, हमें छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्या आप जानते हैं, ऐसा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है और पत्नियों से क्या कह रहा है? और ऐसे ही हम आगे वचन पर पढ़ने के बाद हमें पता चलता है, देखिए वचन 27 में लिखा हुआ है, उसके एक ऐसी तेजस्वी कलसिया बनकर अपनी पास खड़ी जिसमें कलंक न झूरी न कोई दाग, ऐसे वो पवित्र निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि 28 में पति अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पति को पत्नी से प्रेम करना चाहिए। फिर पत्नी का धर्म क्या है, पत्नी क्या करना चाहिए? उसी अध्याय के 22 वचन में, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हर बेटियों से, हर बहनों से हमारी गुजारिश है, अपने पत्नी का अधीन रहना परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हर पति अपने पत्नी का सिर है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे परिवार का सिर पति है। कभी कभी ऐसे हो जाता है, कई बहनें कई बेटियां कहते हैं कि नहीं, मेरा पति कुछ जानता नहीं है, मेरा पति तो बहुत पियक्कड़ है, मेरा पति तो कमाता नहीं है, मेरा पति तो बहुत निकम्मा है। ऐसे कई बेटियों का कहना, बहनों का कहना हमने सुना है, परंतु आज परमेश्वर का वचन हमें आगाह कर परमेश्वर का वचन हमें सूचना देना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें कुछ बताना चाहता है। प्रियजनों, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जिसके साथ हमारी आपकी ब्याह हुई है, जिसके साथ पति पत्नी जुड़ चुके हैं, एक दूसरे के लिए जीवन पर्यंत जुड़े हैं, उनको सिर्फ मौत अलग कर सकती है, वरना इस संसार का कोई चीज अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन के मुताबिक एक पति पत्नी को जुड़ने के बाद अलग होने का कोई हिसाब पवित्र बाइबल में नहीं लिखा गया। प्रियजनों, वे कब तक जुड़े रहेंगे? जब तक उन्हें मौत अलग न करे तब तक वो एक परिवार बनकर, पति पत्नी बनकर रहेंगे। पत्नी को अपने पति की आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, तब पति का प्यार हर पत्नी पा सकती है, दोनों एक साथ जुड़े रहेंगे। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर हमने देखा, पुरुष के फसली की हड्डी से निकाल कर स्त्री बनाई गई, यानी कि परमेश्वर ने ना उसे पैर से निकाला, ना उसे सिर की हड्डी से निकाला। अगर वो पैर की हड्डी से निकाली गई थी होती तो वो पैर के नीचे दबती, शायद सिर की हड्डी से निकाली जाती तो सिर पर बैठी होती। इसलिए तो परमेश्वर ने फसली की हड्डी से निकाला, ताकि वो बराबर की बनी रहे, साथ संगीनी बनी रहे। परमेश्वर का वचन का धन्यवाद करते हम।
पति पत्नी एक दूसरे के आदर करें, पति पत्नी एक दूसरे के सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार करें, अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में रखें। बच्चे कैसे होना चाहिए, बच्चे कैसे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में परमेश्वर का वचन इसी में आगे लिखा हुआ है। देखिए छठवां अध्याय के पहले वचन, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बने रहो क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर करो, यही पहली आज्ञा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ब्याह के साथ पति पत्नी कैसे जुड़े रहेंगे, आपके घर में अगर आशीष नहीं मिल रहा है, आपके घर में आनंद नहीं है, आपके घर में हमेशा के लिए दुख से भरा हुआ परिवार है, तो आज परमेश्वर के वचन से हम आपको आगाह कर बताना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन का बहुमूल्य वचनों को आपके सामने हम लाए बाइबल से। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, पत्नी को पति का आदर करना चाहिए, पति को पत्नी से प्रेम करना चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है एक दूसरे से, तब आपके परिवार में आनंद लौट कर आएगा। यही पति आपके परिवार का कर्ता धर्ता होना चाहिए, पति आपके परिवार की बागडोर को संभालने वाला होना चाहिए। गलती से पत्नी अपने परिवार की बागडोर संभालते हुए पूरे सब कुछ हथकंडे हाथ में ली हुई तो परिवार में आनंद खोया हुआ है। हमारी विनती रहेगी प्रिय बहनों प्रिय बेटियों, आपके हाथ में जो बागडोर लिए हैं आपके पति के हाथ में सौंप दीजिए। आज परमेश्वर के वचन के आधार पर हम जरूर कहना चाहेंगे आपके घर में आनंद लौट कर आएगा। बच्चों से फिर मैं कहना चाहूंगा, बच्चों के लिए जिसके परिवार में बच्चे हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता का आदर कीजिए, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। इतना ही नहीं ये पहली आज्ञा भी है। माता पिता का जब आदर करते हैं बच्चे तब उनकी आयुष बढ़ती है, तब उनकी आयु बढ़ती है, उन्हें आशीषों से भरा हुआ आज्ञा है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुमूल्य आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के इस वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परिवार के अंदर आनंद के लिए, परिवार के अंदर आशीष के लिए, पति पत्नी के जीवन आनंद से भरा हुआ उस नाव में जाने के लिए हम परमेश्वर की ओर से आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जिनके परिवार में अगर अब तक आनंद नहीं है, एक रास्ता है प्रियजनों, पति पत्नी दोनों मिलकर अगर आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रख देते हैं आपके परिवार को, हम खचित रूप से कहना चाहेंगे आपका परिवार आशीष पाएगा। परमेश्वर जिन्होंने हमारे लिए प्राण देकर हमारे परिवार को आशीष करने के लिए, जिन्होंने प्राण देकर हमें पापों को छुड़ाने के लिए धरती पर आया था, वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने नजर गाड़े, उनकी ओर एक बार आंख लगाकर ताक के देखिए, वह आपको छुड़ाने वाला है, आपको आनंद देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, सत्य वचन बाइबल के द्वारा हमने देखा शादी ब्याह का मतलब क्या है, शादी और ब्याह क्यों रची गई थी, शादी ब्याह में जुड़े हुए पति पत्नी को रहना कैसे चाहिए। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, अगर किसी के परिवार में पति पत्नी के बीच में अनबन है, हम आपके सामने तहदिल से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में फिर से आनंद ला प्रभु, उनके अनबन को दूर कर, उनके घर में आनंद और शांति ले आ प्रभु। अगर कोई बच्चे बेटे बेटी अकेला रहने का मन बनाए हैं तो आज परमेश्वर के वचन के मुताबिक उनसे बोल प्रभु, ताकि उनका अकेला रहना अच्छा नहीं है, वे भी ब्याह करे शादी करे। हर पत्नी अपने पति का सम्मान करे, हमारे देश के हर पति अपने पत्नी से प्रेम करे और उनका पारिवारिक जीवन आनंद से भरा रहे, उनके घर में संतान मिले, बच्चे खिले खुले। बच्चों के लिए प्रार्थना करते अपने माता पिता का आदर करना सम्मान करना उन्हें दे प्रभु, क्योंकि ये तेरी आज्ञा है, ऊंची आयु पाए। जिनके घर में जीवित परमेश्वर नहीं है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके घर में आए, उनके परिवार में आए, पापों से उन्हें छुड़ाएं, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन। हमारी प्रार्थना आपसे रहेगी, आपके लिए हमारी प्रार्थना रहेगी कि आपके जीवन में पति पत्नी के बीच में आनंद बना रहे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में मिले, पापों से छुटकारा आपको मिले। जय मसीह की। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना का विषय बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता, जीवन जल नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09825807444। ईमेल आईडी gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwjb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल टीवी @YouTube।
जीवन जल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।